हाय, मैं विकास और आप देख रहे हैं कॉमर्स फंडामेंटल। आज की वीडियो में भी हम बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ और टॉपिक करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड कुछ पोर्शन किया था। जब एक होल्डर के पास एक बिल रिसीवेबल होता है, उस बिल को वो क्या क्या कर सकता है। पहला, वो बिल को रिटेन कर सकता है। दूसरा, वो बिल को डिस्काउंट भी करवा सकता है। ये दोनों ही पोर्शन हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किए थे। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर के दिए गए लिंक में वो वीडियो देख लीजिए। आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट पोर्शन करने जा रहे हैं, जिसमें अगर एक होल्डर जो है वो बिल को एंडोर्स कर देता है किसी थर्ड पार्टी को बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी, या फिर जो होल्डर है उस बिल को सेंड कर देता है बैंक के पास कलेक्शन के लिए। इन दोनों ही बातों में हम कैसे कैसे अकाउंटिंग करेंगे और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे आप इसको और अच्छे से समझ पाओ। तो लेट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वेलकम बैक। आज का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, जब एक विल को एंडोर्स कर दिया जाता है किसी थर्ड पार्टी को बिफोर द डेट ऑफ मैच्योरिटी। अब देखिए, इसे समझते हैं। पहले ये होता क्या है। मान लीजिए मैं एक पर्सन हूँ जिसके पास एक बिल रिसीवेबल है, मुझे किसी तीसरे पर्सन को कुछ पैसे देने हैं, पेमेंट करनी है। मेरे पास पहला ऑप्शन है कि मैं बिल को डिस्काउंट करवाऊँ और फिर उसे पैसे दे दूँ। मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है, क्यों ना मैं इस बिल को ही उस थर्ड पर्सन को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, इंडोर्स कर देता हूँ। ऐसे में जो पेमेंट रिसीव करेगा, अब डायरेक्टली जो ड्रॉई है, मीन्स जिसने बिल एक्सेप्ट किया है, उससे डायरेक्ट पर्सन एक्सेप्ट कर सकता है जो थर्ड पर्सन है। इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट या नेगोशिएशन भी कह सकते हो। हमारे पास इस सिचुएशन को समझने के लिए हमने जो जर्नल एंट्री है, जैसे मान लीजिए सेल परचेज से रिलेटेड और बिल को ड्रा करना और उसे एक्सेप्ट करने से रिलेटेड जर्नल एंट्री एज इट इज़ लेकर चलेंगे। उससे आगे की सिचुएशन को समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये नेगोशिएशन क्या होता है। नेगोशिएशन ऑफ बिल का मतलब है बिल को इस तरह से ट्रांसफ़र करना जो ट्रांसफरी होगा वो ही होल्डर बन जाए। मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जब बिल ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसफरर वो पर्सन होता है जो बिल को देता है और ट्रांसफरी वो पर्सन होता है जो बिल को रिसीव करता है। जब एक ट्रांसफरी ही होल्डर बन जाए, मीन्स बिल अब उसी का है, जो पे भी वो ही रहेगा, मीन्स पैसे भी वो ही रिसीव करेगा। इस तरह से जब बिल को ट्रांसफ़र किया जाता है उसको हम कहते हैं नेगोशिएशन। अब नेगोशिएशन ऑफ बिल जो होता है वो दो टाइप से होता है। अगर हम मेथड की बात करें तो ये दो टाइप से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। पहला है नेगोशिएशन बाय डिलीवरी और दूसरा है नेगोशिएशन बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। तो दोनों को समझते हैं ये क्या है। देखिए, ये दोनों अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि बिल जो होते हैं हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक ऑर्डर बिल होता है, एक बेयरर बिल होता है। ऑर्डर बिल वो बिल होता है जिस पर्सन का नाम उस बिल के ऊपर लिखा गया होता है, पे भी वही रहता है, मीन्स पैसे भी वही रिसीव करता है। और बेयरर बिल वो बिल होता है जिसके हाथ में भी ये बिल होगा वो पे ही रहेगा, मीन्स वो पैसे रिसीव कर सकता है। अगर एक बेयरर बिल है तो उसको सिर्फ ट्रांसफ़र करने से ही, जो डिलीवरी करने से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करने से ही उसकी जो पे है वो भी बदल जाता है। बट जो एक ऑर्डर बिल है, सिर्फ ट्रांसफ़र करने से वो पे नहीं बदलता, ऐसे में उसको इंडोर्समेंट करना पड़ता है। इंडोर्समेंट कैसे किया जाता है? एक, जैसे आपने देखा होगा बैंक में, अगर आप जाते हो एक चेक लेकर तो कैशियर आपको कहता है प्लीज़ इस बिल के पीछे, मीन्स इस चेक के पीछे दो साइन कर दीजिए। जो दो साइन करने की प्रोसेस है उसी को हम इंडोर्समेंट कहते हैं। ऐसा जो चेक है वो इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी होता है, मीन्स आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो इंडोर्समेंट करके। इस बिल के पीछे जब आप दो साइन कर देते हो और उसको किसी पर्सन को दे देते हो, इसे कहते हैं इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। ऐसे में जो अब इसका ओनरशिप है बदल चुकी है, वो पे जो है वो बदल चुका है। ऐसे में हम कैसे जर्नल एंट्री करेंगे, इस बात को समझते हैं। देखिए, तो हमारे पास जर्नल एंट्री करने के लिए अब थ्री पर्सन है हमारे पास। पहला वो पर्सन है जिसने बिल को ड्रॉ किया है, दूसरा वो पर्सन है जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है, और तीसरा वो पर्सन है जिसको ये बिल इंडोर्स किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है, डिलीवर किया गया है। तो इनको तीनों को ही क्या क्या जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। देखिए, जब एक बिल इंडोर्स किया जाएगा, मीन्स एक्स एक पर्सन था, वो अब किसी जेड पर्सन को ये बिल दे देता है। जब ये जेड पर्सन को बिल देगा तो वो क्या एंट्री करेगा,
अब ये बात ध्यान रखिएगा, अगर वो बिल हमने पहले रिसीव किया था और अब हम वो बिल जेड को दे रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो बिल्स पेबल हो गया। पहले भी बिल रिसीवेबल था, अब भी बिल रिसीवेबल है। ऐसे में जो जल्द एंट्री की जाएगी वो की जाएगी जेड डेबिट, क्योंकि जेड रिसीव कर रहा है और हम क्रेडिट कर देंगे बिल्स रिसीवेबल को। इस बात का जो हमारा ड्रॉई है मीन्स एक्सेप्टर ऑफ द बिल है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बिल जब पे किया जाएगा उसी दिन पे किया जाएगा जब उसकी ड्यू डेट होगी। तो यहाँ पर जो हमारा ड्रॉई है वाई है वो कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास एक थर्ड पर्सन है जिसका नाम है जेड। जेड अपनी बुक में क्या जर्नल एंट्री करेगा? जेड को ये बिल जो रिसीव हुआ है वो एक्स से हुआ है, बिल रिसीवेबल उसके लिए भी एक एसेट है, तो ये क्या जर्नल एंट्री करेगा? उसी तरह जैसे बिल रिसीवेबल होता है तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट किससे रिसीव हुआ है? एक्स से रिसीव हुआ है, तो एक्स को ये क्रेडिट करेगा। अब बात आती है हमारे ड्यू डेट वाले दिन। ड्यू डेट मीन्स वो डेट जब इस बिल की जो टाइम पीरियड है ख़त्म हो चुका है, डेट ऑफ पेमेंट भी हम कह सकते हैं। ऐसे में ड्यू डेट वाले दिन कैसे पेमेंट की जाएगी? अब देखिए, जो बिल है वो एक्स के पास नहीं है। अगर बिल एक्स के पास नहीं है तो पैसे एक्स रिसीव नहीं करेगा, तो कौन रिसीव करेगा? जिसके पास बिल है। ऐसे में हमारे पास एक्स जो है वो कोई एंट्री नहीं करेगा। वाई क्या एंट्री करेगा? वाई ड्रॉई था, एक्सेप्टर था, पे यहाँ पर वो पे को पे करेगा। कैसे पे करेगा? क्योंकि बिल्स पेबल है उसके पास, बिल्स पेबल को वो डेबिट कर देगा और पैसे बैंक से वो क्रेडिट कर देगा। पैसे एक्चुअल में रिसीव होंगे हमारे पास जेड को। जेड क्या एंट्री करता है? जेड नॉर्मल ऑन द अमाउंट रिसीव जब करेगा तो क्या एंट्री करेगा? उसके पास पैसे आ गए हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। इस तरह से हमारे पास इंडोर्समेंट की जाती है, ट्रांसफ़र किया जाता है, डिलीवर किया जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। वाई ऑन 26,000 टू एक्स ऑन 5th मार्च 2019 ही एक्सेप्ट ए बिल फॉर पीस 25,000 फॉर वन मंथ ड्रॉन बाय एक्स इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट। तो हमारे पास एक्स जो है वो क्या एंट्री करेगा? एक्स एंट्री करेगा 2019 मार्च 5 को। एक्स की बुक में जो बिल एंट्री रहेगी वो रहेगी बिल रिसीव किया है इसने, तो बिल रिसीवेबल को हम कर देते हैं डेबिट। बिल रिसीवेबल जो किया है वो 25,000 का किया है, और यहाँ पर इसने 26,000 ऑन किए थे, 25,000 का बिल रिसीव किया है, तो ये डिस्काउंट दे रहा है 1,000 का, तो हम डिस्काउंट कर देते हैं डिस्काउंट अलाउड, डेबिट कर देते हैं 1,000 से, और इसने 2y ये कर देगा 26,000 से। इस तरह से ये बिल रिसीव करता है एंड डिस्काउंट अलाउड करता है। अब ऐसे में हमारा जो वाई है इसी डेट को, सेम डेट को क्या एंट्री करेगा? वाई की बुक में देख लेते हैं। वाई क्या करेगा? वाई करेगा एक्स, वाई की हम ब्लैक पेन से कर लेते हैं, एक्स डेबिट करेगा। एक्स को इसने 26,000 देने थे वो दे दिए हैं, जिसमें से इसने डिस्काउंट रिसीव किया है 1,000 रुपीज और बिल्स पेबल एक्सेप्ट किया है वो है 25,000 रुपीज। इस तरह से एक्सेप्टेड बिल्स पेबल एंड डिस्काउंट received। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये एंट्री क्लोज करने के बाद आगे एक बार पढ़ लेते हैं हमें क्या दिया गया है। X इंडोर्स द बिल टू जेड। X ने ये बिल को इंडोर्स कर दिया है जेड को इमिडिएटली, यानी उसी तारीख को 2019 की 5 मार्च को ये बिल जेड के पास चला गया है। तो ये क्या करेगा, इसी डेट को हम करते हैं, ये जेड को दे दिया गया है तो जेड रिसीवर है, तो जेड को हम डेबिट कर देते हैं और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं। 25,000 का बिल था,
तो अब ये क्या एंट्री करेगा, क्या नरेशन क्या लिखेगा? बिल इंडोर्स टू जेड। ऐसे में हमारे पास वाई क्या एंट्री करेगा? नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं करने वाला। अब देखिए जेड जो है वो क्या एंट्री करेगा, जेड की बुक भी बना लेते हैं। ये हमारे पास जर्नल है जेड का। जेड जो है वो क्या एंट्री करेगा, 2019 मार्च 5 को। इसको बिल रिसीव हुआ है तो ये बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा टू एक्स से, उसे 25,000 का बिल रिसीव हुआ है। अब जब ड्यू डेट आएगी, ड्यू डेट हमारे पास कितनी थी, ये वन मंथ का था, बिल ड्रॉ किया गया था। तो ड्यू डेट जो हम कैसे कैलकुलेट करें, ड्यू डेट को काउंट करने का तरीका बहुत आसान है। हमारे पास 05/03/2009 है, तो पहले हम मंथ ऐड करते हैं। मंथ हमने वन ऐड किया और हम डेज ऑफ ग्रेस ऐड करते हैं जो कि 3 है। तो हमारे पास 8/04/2019 ये ड्यू डेट आ जाती है। तो ड्यू डेट वाले दिन मीन्स अप्रैल 8 को क्या एंट्री करेगा? तो देखिए ऐसे में हमारे पास जो, क्योंकि बिल अब एक्स के पास नहीं है तो एक्स कोई एंट्री नहीं करेगा और वाई जो है वो पेमेंट करेगा, तो पेमेंट करने के लिए ये क्या एंट्री करेगा, इसी दिन ड्यू डेट वाले दिन ये करेगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये 25,000 रुपीज़ का बिल ड्यू डेट वाले दिन पे कर देगा। बिल मेट ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट वाले दिन बिल को पे कर दिया गया है। अब क्योंकि एक्स के पास बिल नहीं है तो एक्स तो कोई एंट्री नहीं कर रहा, बट ये बिल जेड के पास है तो जेड क्या एंट्री करेगा? तो जेड की एंट्री देख लेते हैं हम, कब? हमारे पास अप्रैल 8 को ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितने से? 25,000 से। इस तरह से ये बिल की पेमेंट की जाएगी, बिल को इंडोर्स किया जाएगा। आज की जो हमारी सेकंड सिचुएशन है वो है जब बिल को सेंड किया जाता है बैंक में कलेक्शन के लिए, मींस व्हेन बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक। देखिए होता क्या है, काफ़ी बार एक पर्सन जो ड्रॉअर है, होल्डर है, वो उस बिल को रिटेन करने के बजाय इस बिल को बैंक में भेज देता है, इस इंस्ट्रक्शन के साथ भेजता है कि जब भी ड्यू डेट आएगी इस बिल को कलेक्ट कर लिया जाए, यानी जिसने एक्सेप्ट किया है उससे पैसा कलेक्ट कर लिया जाए ड्यू डेट वाले दिन, मीन्स बिल के मैच्योर होने के बाद। ऐसे में हमारे पास बिल को बैंक रिटेन करेगा टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यहाँ कस्टमर रिटेन ना करके बैंक रिटेन करेगा। और जब एक बिल को भेजा जाएगा बैंक के पास, हम एक बिल्कुल नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसे हम कहते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन। तो ऐसे में हम किस तरह से जर्नल एंट्रीज करते हैं, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। पहले हम मान लेते हैं, जैसे पहले हम मान रहे हैं कि हमने माल सेल किया है, बिल ड्रॉ किया है। अब हम क्या करते हैं, हम बैंक को ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि इस बिल को आप डेट ऑफ मैच्योरिटी तक रिटेन करें। तो हम जब बिल को बैंक के पास भेज रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे, तो हमारी एंट्री रहेगी, हमने एक बिल्कुल नया अकाउंट ओपन करेंगे, बिल सेंड फॉर कलेक्शन टू बिल रिसीवेबल, क्योंकि हमारे पास से बिल रिसीवेबल चला गया है। ऐसे में जो ड्रॉई है, एक्सेप्टर ऑफ द बिल है, वो क्या एंट्री करेगा, कोई एंट्री नहीं करेगा, क्योंकि उसके ऊपर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता, जब ड्यू डेट आएगी वो पैसे पे कर देगा। अब पैसे जब बैंक रिसीव कर लेगा तो वो अपने कस्टमर को इन्फॉर्म करेगा कि हमें ये पैसे रिसीव हो चुके हैं। ये इन्फॉर्मेशन लेने के बाद एक जो ड्रॉअर है वो एंट्री करेगा कि उसके पास वो पैसे आ चुके हैं। जब पैसे आ चुके हैं बैंक को वो डेबिट करेगा। अब यहाँ पर बिल रिसीवेबल को वो क्रेडिट नहीं करेगा,
क्योंकि बिल रिसीवेबल तो ऑलरेडी बैंक के पास है, वो जल्द एंट्री करेगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन से रिलेटेड। तो क्या एंट्री करेगा, ये करेगा बैंक अकाउंट डेबिट बिल सेंड फॉर कलेक्शन। और नॉर्मली जो हमारा ड्रॉई था वो पहले जैसे ही एंट्री करेगा जैसे ड्यू डेट वाले दिन करता था। कैश क्या करता था, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस तरह से बिल सेंड फॉर कलेक्शन की जल्द एंट्री की जाएगी। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे इस सिचुएशन को समझना और ज़्यादा आसान हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को हमेशा की तरह पढ़ लेते हैं। ऑन 1st October 2018 एक्स सेल गुड्स टू वाई फॉर 20,000। तो हमारे पास 1st October फर्स्ट को क्या एंट्री करेंगे, एंट्री एक्स क्या करेगा, एक्स सेल कर रहा है तो ये वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट कर देगा 20,000 रुपीज़ से। एक्स ने सेल किया है तो ये नरेशन लिख देता है गुड्स सोल्ड टू वाई, और वाई क्या एंट्री करेगा, वाई करेगा परचेज इसी तारीख को, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, ये भी 20,000 से सेम डे एंट्री कर देता है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स। आगे देखिए, आगे कहता है ऑन दैट डे वाई एक्सेप्ट बिल ड्रॉन अपॉन हिम बाय एक्स एट 2 month फ्रॉम 20,000। इसी तारीख को बिल एक्सेप्ट किया गया है तो अक्टूबर 1st को ही इसके पास एक बिल रिसीवेबल आता है एक्सेप्ट करने के बाद किससे, वाई से। तो वाई को ये क्रेडिट कर देगा और ये बिल रिसीवेबल को ले लेगा, ड्रॉ करेगा। तो हमारे पास कहता है एक्सेप्टेड एक्सेप्टेंस रिसीव हो चुकी है। एक्सेप्टेंस रिसीव हो चुकी है। अब यहाँ पर वाई क्या एंट्री करेगा, ये करेगा एक्स डेबिट टू बिल्स पेबल ये कर देता है एक्सेप्टेड बिल ड्रॉन बाय एक्स, ये भी कर देता है 20,000 से। अब देखिए आगे क्या होता है, आगे कहता है एक्स रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट एंड ऑन ड्यू डेट सेंड द बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ड्यू डेट वाले दिन ये बिल को सेंड करता है कलेक्शन के लिए। तो जब बिल को कलेक्शन के लिए सेंड किया जाएगा तो हमारे पास होती है बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। तो हमारे पास ड्यू डेट कब रहेगी, ये बिल था 2 month का, तो हमारे पास जानते हैं 1/10/2018 में हम 2 महीने जोड़ते हैं तो 12 महीने, और इसमें 3 दिन जोड़ें तो 4 तारीख 2018 करें तो हमारे पास ये 4 December आता है। 4 December वाले दिन हम क्या जल्द एंट्री करेंगे, दिसंबर 4 को ये बिल को सेंड कर रहा है कलेक्शन के लिए, तो ये करेगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन डेबिट टू बिल रिसीवेबल। ये बिल रिसीवेबल इसने कलेक्ट करने के लिए बैंक में भेज दिया है तो हम कर देते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास जो ये है ये कोई एंट्री नहीं करेगा, यानी हमारा जो वाई है वो कोई एंट्री नहीं करेगा। इसी डेट को मीन्स December 4 को ही जब बिल कलेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास जो ड्रॉई है वो करेगा, वो पैसे दे देता है अकाउंट डेबिट टू बैंक से, वो पेमेंट कर देगा 20,000 रुपीज़ की, वो पेमेंट कर देगा वो बिल जो है मेट ऑन ड्यू डेट वाले दिन इसने पेमेंट कर दिया। ये इंफॉर्मेशन जो है पैसे रिसीव करने के बाद बैंक जो है एक्स को सेंड करेगा, शेयर करेगा, और एंट्री एक्स उस टाइम ये करेगा
कि जो है उसे बैंक से पेमेंट मिल चुकी है, बैंक अकाउंट डेबिट कर देगा और जो बिल है सेंट फॉर कलेक्शन को क्रेडिट कर देगा 20,000 रुपीज से। इस तरह से बिल है द अमाउंट कह सकते हो, अमाउंट ऑफ बिल कलेक्टेड बाय बैंक। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है avkr.com @gmail.com। और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।